फ्रेंड्स, मैं हूँ डिम्पल जरीवाला और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सुरती वेज कीमा। इसके लिए मैंने सोयाबीन्स का कीमा लिया हुआ है, वो मैंने 1.5 कप लिया है। उसको मैंने अच्छे से वॉश किया है 3-4 पानी से। बाद में मैंने उसको उबाला है 10 मिनट और फिर वापस ठंडा करके 2-3 बार साफ पानी से धोया हुआ है। और इसके मसाला हम डालेंगे, मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच आधी चम्मच हल्दी और मिर्च लिए 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ली है और ये हरी हरदर जो रहती है उसके 1.5 चम्मच लिए हैं, और ये ग्रीन चिली की पेस्ट ली है मैंने, वो भी 1 चम्मच, और ये बघार का मसाला लिया है, और प्याज है मैंने 4 बारीक काट के रखे हैं, और इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो ये 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने ऑयल लिए हैं। चलिए हम बनाते हैं वेज कीमा। कुकर में बनाएंगे और कुकर में हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करके फिर जो हमारा जो ये बघार का है वो ऐड करेंगे हम। और ये वेज कीमा तो बोलने जैसा ही है, बाकी ये पूरा इतना अच्छा मटन जैसा टेस्ट लगेगा, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बघार जैसे सोटे हो जाए अपना। फिर हम इसमें थोड़ा ऐड कर देंगे, तो अच्छे से हमें तेल में फ्राई करना है, इस तरह सॉटे करते जाना है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए वो अपन दिखने लगेगा, इसमें इस हिसाब से अपन स्लो फ्लेम पे उसको चलाते जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो फिर सोयाबीन का टेस्ट आएगा अपने, वो हमें टेस्ट बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। के लिए हमें इसको ऑयल में अच्छे से सॉटे करना पड़ेगा। अगर आपको ये स्टेज में भी ऑयल अगर कम लगे तो भी आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ थोड़ा। फिर मैंने और 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर ऑयल ज्यादा नहीं होगा तो उसके ये रेसिपी की पर तड़ी नहीं आएगी और हमें तड़ी वाला कीमा बनाना है, इसलिए इसमें ऑयल ज्यादा जाएगा। आप बटर भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसे अच्छे से अपने सॉटे करना है। अभी हम इसमें अपने मसाला ऐड करेंगे, एक एक करके सब डाल देंगे अपन। ये कुकर में ही बनाना है अपने, और मसाले को भी अच्छे से सॉटे कर दिए, मिक्स कर दीजिए। दो मिनट भी नहीं, 1 मिनट बस मसाले को अपन थोड़ा मिक्स हो जाए तब तक कर लेते हैं। और ये ऐसे अच्छे से फैला लेंगे हम। अब इसके ऊपर जो प्याज काट के रखे हैं वो सारे उसके ऊपर फैला देते हैं अपने। फैला दिए अपने प्याज, और 1 कप जितना गर्म पानी हम लेंगे वो इसके ऊपर हम इसमें डाल देंगे। 1 कप जितना ही, ज्यादा नहीं, क्योंकि सोयाबीन भी हमने उबाल के रखा हुआ है। अभी इसको हम 3 सीटी लगाएंगे और रेडी हो जाएगा हमारा वेज कीमा। 5 सीटी लग गई है फ्रेंड, अभी हम इसको खोलेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया हमारा कीमा रेडी हो गया है। अभी हम इसको सर्व करेंगे। पांच सीटी लगाई थी फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा धनिया डालेंगे और प्याज के लच्छों के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए। बाय फ्रेंड्स।